चलो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट स्विंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्रॉ करेंगे, एक 12 लाइन का, 12 से 15 लाइन। दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे 10 लाइन का, सोर्सेस ऑफ फंड्स, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तीसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डे, ये ड्रॉ करेंगे 12 लाइन का फॉर द ईयर एंड डे 31 दिसंबर 89, 12 लाइन का। और वर्किंग नोट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाइन्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाइन्स, इन्वेस्टमेंट 5 लाइन्स। ऐसे अकाउंट ड्रॉ करने के बाद अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यहां लेते हैं और बाकी जो अकाउंट्स ओपन किए उनके अकाउंट वहां ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले नंबर एक करंट असेट्स, करंट असेट ऐसे लिख देना। अब प्रॉब्लम शुरुआत पढ़ने की शुरुआत असेट साइड से करेंगे। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टेड अकाउंट ओपन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख ओपनिंग बैलेंस, और आखिरी में बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,20,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके एडजस्टमेंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस से इन्वेस्टमेंट का 40,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000। अब देखो यहां तक ये तीनों फिक्स असेट थे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स थे। हमने अकाउंट ओपन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट, अब देखो स्टॉक करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000, डिक्रीज 30,000। कंपेयर करेंगे, ओपनिंग 2,50,000, क्लोजिंग 2,20,000, कम हो गए 30,000। नंबर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस 1,000, क्लोजिंग बैलेंस 8,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डेटर्स करंट असेट से ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,00,000, डेटर्स बढ़ गए, इंक्रीज 2,50,000। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 55,000, बिल्स रिसीवेबल कम हो गए 5,000। टैक्स ओपनिंग 1,49,000, ओपनिंग 1,49,000, क्लोजिंग 1,97,000, इंक्रीजिंग कैश 48,000, इंक्रीजिंग कैश 48,000। अब असेट साइड पूरी हो गई,
करंट एसेट की टोटल करो, टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, करंट एसेट की टोटल करना है 6,10,000, 8,80,000। एक सेकंड, यहां तक हमने क्या किया? ओनली थ्री थिंग्स, फिक्स असेट जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है, अकाउंट ओपन किए, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, नंबर एक। नंबर दो, करंट असेट्स स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिए, करंट असेट बढ़ गए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, करंट असेट कम हो गए तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पर करंट असेट की टोटल किया। अब हम लायबिलिटी साइड जाएंगे, अब हम लायबिलिटी साइड जाएंगे। अब देखो, शेयर कैपिटल लायबिलिटी में आपको कंपेयर करना है, लायबिलिटी साइड में कंपेयर करना है करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म है 3,50,000, 4,00,000 शेयर कैपिटल बढ़ गए सोर्सेस में, इश्यू ऑफ शेयर्स, नंबर एक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, शेयर्स बढ़ गए इश्यू किए, डिबेंचर्स बढ़ गए इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 सोर्सेस में। अब देखो, शेयर्स डिबेंचर्स इंक्रीज हो गए इश्यू किए सोर्सेस में, कम हो गए डिक्रीज हो गए पेमेंट किया एप्लीकेशन में रिडम्पशन किया। अब जनरल रिजर्व बढ़ गया 2,50,000, 2,60,000 हो गए एडजस्टेड किया क्रेडिट में टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एडजस्टेड किया जनरल डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,06,000 और टू बैलेंस कैरी डाउन 1,18,000। करंट लायबिलिटी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में और
रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप विथ वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स की जैसे टोटल किया था, करंट लाइबिलिटी टोटल करना है 1,69,000 and 1,70,000। फिर टोटल सीएल, टोटल करंट लाइबिलिटी। नंबर सी, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल 6,10,000 में से 1,69,000 लेस करो, वो आते हैं 4,41,000 और 8,70 में से 1,70,000 लेस करो 7,10,000 7,10,000। अब कंपेयर करेंगे 4,41,000 के 7,70,000 हो गए, यानी बढ़ गए, प्लस इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस निकालो वो है 2,69,000 का। ये 2,69,000 इंक्रीज के डिक्रीज कॉलम में रखेंगे 2,69,000 और इसकी टोटल वैल्यू होना चाहिए 2,69,000 के बाद 3,15,000, 3,15,000। अब ये इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल 2,69,000 ये हम एप्लीकेशन में आखिरी में लेंगे। अब हम देखो यहां तक हमने क्या किया, असेट्स सिर्फ दो ग्रुप किए आज, फिक्स असेट अकाउंट ओपन किए, करंट असेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिए, लायबिलिटीज तीन ग्रुप किए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ गए, सोर्सेस कम हो गए, एप्लीकेशंस, करंट लायबिलिटीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिए, इनवर्स रिलेशनशिप इस वर्किंग कैपिटल, और तीसरा आज नहीं है जैसे कि जनरल रिजर्व ऐसे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसको सिर्फ जो बढ़ गया पी एंड एल के डेबिट में। अब हम एडजस्टमेंट के इफेक्ट करेंगे, यहां तक क्लियर? एक डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर 35,000, सो डिविडेंड पे एडजस्टेड पी एंड एल के डेबिट में टू डिविडेंड पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 35,000 और एप्लीकेशन में डिविडेंड पे 35,000। एक नंबर के एडजस्टमेंट डिविडेंड पे। नंबर दो, लैंड एंड लैंड परचेस फॉर 60,000, परचेस ऑफ लैंड, लैंड परचेस किया टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में परचेस 60,000, फंड गोज आउट, सो एप्लीकेशन में परचेस ऑफ लैंड, परचेस ऑफ लैंड 60,000। एडजस्टमेंट नंबर तीन, दो प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 25,000, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट में बाय एडजस्टेड पी एंड एल करंट ईयर प्रोविजन 25,000, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट में बाय एडजस्टेड पी एंड एल, एडजस्टेड पी एंड एल क्रेडिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25,000। चार, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,00,000 सोल्ड फॉर 1,20,000, 1,00,000 की मशीनरी 1,30,000 को बेचा, 20,000 प्रॉफिट है, सो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में फॉर कैश 1,20,000 और टू एडजस्टेड पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट 20,000। देखो बाय कैश 1,20,000, बाय कैश पैसे आ गए, सोर्सेस में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 और प्रॉफिट हुआ 20,000 एडजस्टेड कैपिटल में बाय
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। देखो प्रॉफिट हो गया बाय सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब लास्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 10,000 सोल्ड फॉर 9,000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट 9,000 में बेचा, 1,000 लॉस हो गया। देखो प्लांट पे प्रॉफिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया बाय कैश 9,000 बाय एडजस्ट के पी एंड एल लॉस 1,000। देखो बाय कैश 9,000 पैसे आ गए सोर्सेस में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,000 और जो लॉस है एडजस्टेड किया है डेबिट में टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। क्लियर? अब इसके आगे थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अकाउंट क्लोज करना है, बैलेंसिंग फिगर के इफेक्ट करना है और आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखो लाइन एंड्री, ओपनिंग बैलेंस डेबिट का बैलेंस 1,60,000, क्लोजिंग का बैलेंस 1,50,000। अब देखो 1,60,000 डेबिट बैलेंस ज्यादा है, एसेट का अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डिप्रिशिएशन होता है एडजस्टेड पी एंड एल ब्रैकेट में डिप्रिशिएशन 10,000 ब्रैकेट में डिप्रिशिएशन 10,000 सो एडजस्टेड पी एंड एल के डेबिट में टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। सेम ये आपको प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट की टोटल 3,70,000, 3,70,000, 3,70,000 बाय एडजस्टेड पी एंड एल डेप्रिशिएशन 30,000 बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड पी एंड एल डेप्रिशिएशन 30,000 टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 30,000। ये दोनों एक साथ इनर में लिखने के बाद अगर बाहर दिखे तो ज्यादा एक्शन दिखेगा। ये टोटल डिप्रिशिएशन 10 + 30,000 ये 40,000 बाहर दिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब दो अकाउंट क्लोज हो गए, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट का देखो, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टोटल 60,000, क्रेडिट टोटल 60,000 तो कैश परचेस ऑफ न्यू 20,000, सो परचेस ऑफ एप्लीकेशन में परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट फी टोटल 1,00,000 में से 10,000 गए टू कैश टैक्स पे 90,000, जहां भी टू कैश आता है एप्लीकेशन में टैक्स पे 90,000। लास्ट डेबिट की टोटल करो, एडजस्टेड पी एंड एल के डेबिट की टोटल करना है, एडजस्टेड टोटल लॉस में 2,22,000, 2,29,000, 2,29,000, 2,29,000 में से 1,26,000 लेस करो, 1,26,000 लेस करो, बाकी जो आएगा वो आएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 1,03,000, ये बैलेंसिंग फिगर है 1,03,000, ये सोर्सेस में जाएंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन
funds from operation 1,03,000 और आखिरी में ये increase in working capital जो है एप्लीकेशन में increase in net working capital 2,69,000। अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होना चाहिए, अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली होना चाहिए, ये होता है 4,74,000